हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर कुछ देर परमेश्वर की आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुका के परमेश्वर की ओर देखें। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थी परमेश्वर इस सुबह के वक्त में राजा कि हम तेरे चरणों में इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, जहाँ पे परमेश्वर हम तेरे को महसूस करते हैं, जहाँ पे हम विश्वास करते हैं परमेश्वर तू उन जगहों पे वास करता है राजा। विश्वास के साथ हम बोलते हैं जो हम तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर तू इस जगह पे वास कर रहा है राजा। हमारे आने से पहले भी परमेश्वर तू यहाँ पे उपस्थित था परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। पूरे हफ्ते तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमारा पालन पोषण किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक बातों में परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। हर एक बातों को परमेश्वर तेरे लिए धन्यवाद देने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। हर एक बातों को सोच कर तेरी धन्यवाद देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। इस सुबह के वक्त में परमेश्वर तू हमें अपने पंखों के नीचे ढांप दे परमेश्वर। आज परमेश्वर हम सारा आदर महिमा हम आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। अपना संपूर्ण ध्यान तेरी ओर देखना चाहते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर। इस आराधना के लिए परमेश्वर तू हमें तैयार कर राजा। वो कोई भी चीज़ परमेश्वर जो हमें तुझ से अलग कर रही है, तेरे से हमें अलग कर रही है परमेश्वर, उन सब को हटा दे परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर हम तेरे लिए स्तुति की बलि परमेश्वर देने के लिए, स्तुति की भेंटों को अर्पण करने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। जब हम तेरी आराधना करें परमेश्वर, तू स्वर्ग से परमेश्वर अपनी आँख को बरसा परमेश्वर, वो अपने लहू में छुपा दे परमेश्वर, अपने लहू में छुपा दे परमेश्वर। तुझे महसूस करने के लिए परमेश्वर तू हम सबको सहायता कर परमेश्वर। आज की आराधना से परमेश्वर सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए परमेश्वर, ना कि हमारे बल से परमेश्वर, ना कि हमारी सामर्थ से परमेश्वर, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया परमेश्वर। आज की आराधना में परमेश्वर तेरी पवित्र अग्नि को महसूस करने के लिए परमेश्वर, तेरी पवित्र आग को महसूस करने के लिए, तेरी पवित्र आराधना को परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा को महसूस करने के लिए तू हम सबों को सहायता कर परमेश्वर। तू हमें अपने अभिषेक से भर दे राजा, तू अपनी सामर्थ से भर दे परमेश्वर। वो हर एक परमेश्वर शब्द परमेश्वर जो यहाँ से आते हैं परमेश्वर, वो तेरी ही ओर से होने पाए परमेश्वर। वो तेरी दासी को अपने हाथों में छुपा ले परमेश्वर। जब वो वचन दे परमेश्वर, तेरे वचन को परमेश्वर हमें ग्रहण करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। आज की पूरी आराधना परमेश्वर आशीषित होने पाए परमेश्वर, वो सारे रोगों को दूर कर दे परमेश्वर। वो आज की आराधना से परमेश्वर हम एक आज़ादी महसूस करना चाहते हैं परमेश्वर। आज की आराधना से परमेश्वर तू सारे बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर। आज की आराधना से परमेश्वर तू हमारे सारे आंसुओं को पोंछ दे परमेश्वर। और राजा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोग इस आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, जितने इस लोग इस आराधना को सुन रहे हैं परमेश्वर, तू सबको आशीषित कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर सच्चे दिलों से, सच्चे मनों से परमेश्वर तेरी परमेश्वर आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। इस जगह में परमेश्वर हम तुझे महसूस करना चाहते हैं, तेरी आराधना करने आए हैं, तेरी तारीफ करने आए हैं परमेश्वर। ओ राजा आज की सुबह परमेश्वर हम तुझे महसूस करने आए हैं राजा, तेरी आराधना करने आए हैं परमेश्वर। आइए मिलकर इस गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना करें। तेरी महिमा गाते हैं
परमेश्वर, वो हमारे दिलों से तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। आज राजा इस भवन में परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, वो सारा आदर हम आपको देते हैं परमेश्वर। तेरे भवन में परमेश्वर हम स्तुति की भेंट लेके आए हैं राजा। हालेलुया। और हम जीवनों से, हमारे प्राण से परमेश्वर सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस आराधना के लिए परमेश्वर। इस आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जब हम कुछ गीतों को गाने जा रहे हैं परमेश्वर, ओ परमेश्वर सच्चे दिलों से परमेश्वर हर एक गीत के अर्थ को समझते हुए परमेश्वर हर एक गीत को गाने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज की सुबह में हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। पहला गीत गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए जोश के साथ तालियां बजाते हुए बुलंद आवाज के साथ इस गीत को गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मादा सराई, रब की होवे मादा सराई, उसकी ना
जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं तो परमेश्वर बहुत ज़्यादा खुश होता है। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। और जब हम इज़राइली और मिस्र देश के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर ने कितने सुंदर रीति से इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर लेके आया और लाल समुद्र उसने दो बार किया और फिरौन की सेना को उसने उस समुद्र में डाला। और ये गीत उसी के बारे में है, आइए मिलकर इस गीत को गाएं। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। उदास ना हो मन।
परमेश्वर हमारा साथ देता है, जब हम मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, तब जब युद्ध परमेश्वर हमारे पक्ष में लड़ता है तो हर एक शैतान की ताकतें टूट जाती है। और आप ये सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इसराइलियों को उस मिस्र देश से उनको बाहर लेके आया और कितने सुंदर रीति से उन सबको लेके गया और एक सुंदर सा मार्ग बनाया। आज सुबह के वक्त में आपको लग सकता है कि आपके जीवन में कोई एक अच्छा मार्ग नहीं है, आप ढूंढ रहे हैं, आप इधर उधर जा रहे हैं, आप भूल गए हैं कि किधर जाएं, लेकिन परमेश्वर इस सुबह के वक्त में बोल रहा है कि एक मार्ग मैं बनाऊंगा, कि एक मार्ग मैं बनाऊंगा। आइए कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करें, अपनी जगहों पे खड़े होके हाथों को उठा के हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आज सुबह ये बोल रहा है कि आपके जीवन में अनेक प्रकार के युद्ध हो सकते हैं, आपके परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत अजीब हो सकती है, आपके घर में कुछ भी बचा ना हो, आपके दोस्त आपको छोड़ के चले गए हों, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे हो, आप घरों में बहुत व्याकुल हो। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, वो युद्ध मैं लड़ूंगा। जैसे मैंने इसराइलियों का हाथ नहीं छोड़ा, आज वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, आज वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमारे लिए युद्ध को लड़ेगा, वो हमारे लिए शैतान का सामना करेगा, वो सारी बुरी बातों से हमको दूर करके रखेगा। वो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर, क्योंकि इस महीने परमेश्वर हम इस हफ्ते तक राजा तू हमारे साथ रहा है, हमें संभाला है परमेश्वर, तूने हमें हर एक भली वस्तु दी है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और हाँ परमेश्वर, अगर हम इस साल को देखा जाए ऐसा लगता है कि हाँ हम भी इसराइलियों की तरह जा रहे हैं, उस लाल समुद्र को हमने पार कर लिया है और हमें लगता है कि हाँ अब हम बहुत निकट आ चुके हैं, लेकिन हमारे जीवनों में कष्ट आते ही रह रहे हैं, लेकिन हाँ उस परमेश्वर ने इसराइलियों का हाथ कभी नहीं छोड़ा। और हो सकता है हमारे जीवन में हमने अनेक वक्त में परमेश्वर का हाथ छोड़ा, हमने अनेक वक्त परमेश्वर को तुच्छ जाना, हमने अनेक वक्त परमेश्वर को वो जगह नहीं दी, लेकिन आज सुबह के वक्त परमेश्वर कह रहा है तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रही है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं तेरा बल हूँ, मैं तेरी ताकत हूँ। परमेश्वर से अपनी सारी कमजोरियों को उसके हाथों में सौंप दें, क्योंकि प्रार्थना में ही ताकत है, प्रार्थना में ही चंगाई है। जो लड़ाइयाँ, जो युद्ध हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो सारे युद्ध हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में रोते हैं, घुटने टेकते हैं, वो सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हमारे पवित्र बाइबल में अनेक विषय में बताया है कि परमेश्वर कैसे प्रार्थनाओं को सुनता है। जब पौलुस और सिलास जेल में थे तब भी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनी। लेकिन हमारे जीवनों में हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ परेशानियाँ होती हैं तो हम प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन आज सुबह के वक्त परमेश्वर हमसे चाहता है कि निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर हम परमेश्वर की बाट जोड़ते रहें, निरंतर परमेश्वर की अगुवाई को महसूस करते रहें और निरंतर उसके चरणों में चलते रहें। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे हजूर में आता हूँ, प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे हजूर में आता हूँ, प्रतिज्ञा सदा जो अटल।
नाम। हाँ परमेश्वर, आज सुबह के वक्त परमेश्वर हम जो भी प्रार्थना में मांगेंगे राजा, उन सारे प्रार्थनाओं का जवाब दे परमेश्वर, उन सारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर हमारी सारी विनतियों को तू सुन ले परमेश्वर, हमारी सारी ख्वाहिशों को तू पूरा कर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सकता है आपके जीवन में अनेक सवाल हों, लेकिन आज सुबह के वक्त परमेश्वर कह रहा है, जब तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जब तुम निरंतर प्रार्थना करके मेरे नाम से मांगोगे तो मैं ज़रूर करूँगा। आजकल के दिनों में, इस लॉकडाउन के समय में, हमारे पास अनेक समय है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, बहुत देर तक उसके चरणों में बैठ सके, लेकिन हम लोग अनेक समय वो नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें। धन्यवाद देते हैं महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर कुछ देर राजा तूने तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए सहायता कर परमेश्वर। जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे परमेश्वर, तू हमारा युद्ध में साथ देगा परमेश्वर। तू हमारे सामने शैतान को अपने पैरों तले कुचल देगा परमेश्वर। तू हमें सामर्थ्य देगा परमेश्वर। तू हमें शैतान से लड़ने की शक्ति देगा परमेश्वर। इस पूरे हफ्ते तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। हमने बहुत अच्छी तरह से, खूबसूरत से हमने गीत गाए और प्रभु की आशीष से हमने अच्छी तरह से उसका आराधना किया। और अब हम वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। पिछले बार हमने देखा कि एक पासवान आके हमको सिखाए हमारे वेदी कैसे लगाना है, वेदी लगाते समय हम कैसे आशीष पाते हैं। तो आज हम ऐसे वचन की ओर देखने जा रहे हैं, जैसे हमको जानना चाहिए कि वेदी लगाते हैं लेकिन हमको प्रार्थना करना पड़ता है। हाँ, वेदी लगाकर उसमें बलि देना ज़रूरी है। हम गीत से आराधना करते समय हम अपने को बलि चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद हमको प्रार्थना भी करना पड़ता है। चलिए हम वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं। कुलोसियों के पत्री 4:2, कुलोसियों 4:2, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो।
प्रार्थना में हम कैसे हर समय में लगे रह सकते हैं। देखिए, हम श्वास लेते हैं, हम हर बार श्वास लेते हैं, सोते हुए भी, बैठते हुए भी, चलते हुए भी, किसी भी स्थिति में हम श्वास लेते हैं। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, मैंने एक घंटा अच्छी तरह भरी श्वास ले लिया इसलिए मैं इस दिन पूरा मैं श्वास नहीं लूँगा, ऐसे कर सकते हैं? नहीं, हम श्वास हर बार लेते रहते हैं। उसी मुताबिक हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, हमारे दिमाग में, हमारे मन में प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। हम जो भी काम करें प्रार्थना हमारे साथ जुड़े रहने से चाहिए। जैसे हम श्वास लेते हैं हमारे श्वास के मुताबिक हमारा प्रार्थना भी हमारे साथ जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। तो प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? अगर हम वचन को ना पढ़ें, वचन को हमारे मन में ना रखें, तो हम प्रार्थना करने के लिए उतावला नहीं हो सकते। देखिए, व्यवस्था विवरण में 6:6-8 तक आप जब देखेंगे तो उसमें कहा है कि आपके बच्चों को आप सिखाओ। कैसे सिखाओ? वचन को पढ़ने को सिखाओ, फिर उसको प्रार्थना करने को सिखाओ, बैठते समय, उठते समय, चलते समय, हर जगह में वचन को मसीह लोग टांगे रहते हैं, आप जानते हैं, अपने घर में चारों दीवारों में लगाते हैं, अपने फाटकों में लगाते हैं। ऐसे लगाने से कुछ काम नहीं होता, उसे पढ़ना चाहिए, उसे अपने हृदय में लगाना चाहिए। जब भी जहाँ भी हम बैठते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, तो वचन के द्वारा जब हमारा सब कुछ काम होता है तो वह आराधना, वह प्रार्थना प्रभु के आगे एकदम खरा खाम के जैसा रहता है। चलिए हम देखेंगे किसने कैसे प्रार्थना किया। जकरिया का किताब 12:10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। देखिए, इसमें लिखा है कि दाऊद के घराने को और यरूशलेम के निवासियों को कहते हैं कि अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जाके क्या कहते हैं? पहले थोड़ा स्तुति करते हैं, अगर आप गीत जानते हैं तो गीत गाते हैं, फिर जो कुछ भी हमको चाहिए हमारा पूरा मिन्नतें आगे रखते हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये कमी है, वो कमी है, बस ख़त्म करके वहाँ से निकल जाते हैं। हम बैठ के सुनते नहीं हैं कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या उत्तर देना चाहता है, उसे हम सुनते नहीं हैं। लेकिन यहाँ कहा है अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेलूंगा और तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसमें उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौता पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। तो कब हमको रोना आएगा, कब हम आंसू बहा सकते हैं? अगर हमारा हृदय में ठोस ना पहुंचे, अगर हमारा हृदय टूटता नहीं है, तो हमको रोने ना तो आंसू नहीं आता। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रभु के पास, प्रभु के भवन में या अपने घर में जहाँ भी आप प्रार्थना करते हैं, वहाँ जब आप प्रार्थना करने को बैठते हैं तो अपने आप को जांच करके देखना चाहिए। जांच कीजिए, किस लिए मसीह हमारे लिए यहाँ आया? अपने पिता को, अपने पिता के पास से, उसके गोद में इतना लाडला था, उसे छोड़कर इस पृथ्वी में आया और इतना कठिनाई के रास्ते में वह गया, उसने खोड़े खाए, उसने निंदा सहा, ये सब क्यों किया? क्योंकि हमारे पापों के लिए, हमारे किए का फल हमको ना मिलने के कारण उसने उसे अपने ऊपर ले लिया था।
तो इसे बैठकर हमें जांच करना चाहिए और हमारे किए हुए कार्य के लिए पछतावा करना चाहिए। अगर हम ना पछताए, अगर हम उस बुरे काम से ना मन फिरे, ना लौट के आए, तो कोई भी प्रार्थना जो आप करते हैं सब बेकार है। अगर हम अपने को शुद्ध करें, अपने पाप से हमको पूरा छुटकारा मिल गया, ऐसे जब हमको तसल्ली आती है तब हमारा प्रार्थना प्रभु के पास जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे पास जो आत्मा, पवित्र आत्मा उंडेला गया है, वह पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। कोई लोग कहते हैं 10 मिनट प्रार्थना करता हूँ, 15 मिनट प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रभु कहते हैं क्या मेरे साथ एक घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते? हाँ, बहुत लोगों को एक घंटा प्रार्थना करना मुश्किल है, लेकिन वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो, पूरे दिन प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद से प्रार्थना में लगे रहो, उसके लिए आप जागृत रहो, धन्यवाद करने के लिए जागृत रहो। एक एक क्षण उसने हमको दिया है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। और इसमें ऐसे कहा है, ऐसे भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठों के लिए करते हैं। अगर घर में हमारे प्रिय लोगों को, आजकल मरी फैली हुई है, मरी के कारण बहुतों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिए हैं। जिस घर में अपने प्रिय लोगों को उन्होंने खोया है, उस घर में जाके देखिए, उसको पूछिए आप कैसे हैं, तो वो बिलक बिलक रोने लग जाएंगे। मेरे प्रिय लोग, मेरे माँ बाप, भाई बहन, नहीं तो मेरे पार्टनर, जो भी हो, अगर आपको प्रिय लगते हैं तो ज़रूर वो रोएंगे, उन्होंने मेरे ये सब ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, अभी मैं अकेला हूँ, रोएंगे। उसी के मुताबिक हमें भी मसीह को अपने साथ रखना चाहिए, वह हमारा प्रिय बन जाना चाहिए, वह हमको अपना प्रिय बनाकर हमको चुन लिया है, उसने हमको अपना बनाया है, हमें भी उसको अपना बनाकर हमारे साथ रखना चाहिए। और जिस काम से हमने उसको दुख पहुंचाया है, उसके लिए हमें माफ़ी मांगना चाहिए, उसके लिए हमारे मन में थोड़ा सा भी हमको दुख आए तो वह हमारे लिए बहुत बड़ा काफ़ी है। मैंने ऐसे गलत काम किया, जो काम मैंने किया वह मसीह को पसंद नहीं है, जब आप जान लेंगे तो आप गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, आप सही रास्ते में जाएंगे, और जो रास्ता वो दिखाता है उस रास्ते में जाएंगे, आप डूबेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं, आप जीवित रहेंगे, और जहाँ तक आपको ले जाना चाहता है वहाँ तक आप सुरक्षित जाएंगे। देखिए इसमें 12वीं वचन पढ़ेंगे, सारे देश में विलाप होगा, हाँ, हर एक परिवार में अलग अलग, हाँ, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग। देखिए इसमें लिखा है लोग, हर एक घराने के लोग अलग अलग से प्रार्थना करेंगे। दाऊद वो राजा था, वो अलग से प्रार्थना करेगा, उनकी स्त्रियां अलग से प्रार्थना करेगी, नाथान जो भविष्यद्वक्ता था वो अलग से प्रार्थना करेगा, उसकी स्त्रियां अलग से प्रार्थना करेगी। ऐसे पिछले वाले वचनों को आप पढ़ेंगे तो देखिए सब लोग अलग अलग से, अलग अलग से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे जिंदगी में भी सेल्फ मेडिटेशन सबको होना चाहिए, हर एक आदमी के लिए अपने आप को प्रभु के साथ अलग से मेलजोल रखना चाहिए। अगर आप उसके साथ अच्छी तरह से मेल मिलाप रखेंगे, आपका वेदी सही हो, आपका बलि सही हो, तो आपका प्रार्थना को वह सुधि लेगा
और वो आपका सारे मिन्नतों को वह पूरा करेगा। आपकी मन की इच्छा सब वह आपके साथ होकर आपको जीत देने वाला प्रभु आपके साथ है। अलग अलग से, अलग अलग से झुंड में जाके प्रार्थना करना बहुत आराम से कर लेते हैं। कोई प्रार्थना करेगा आगे से, कोई गीत गाएगा, बस हम ताली बजा के आ जाते हैं। वैसे नहीं, अलग अलग से जब हमारा नाता प्रभु के साथ अच्छा हो, एक पिता और बेटे का नाता कैसा है वैसे आप रहेंगे, तो वह आपकी मन की सब कामनाएं पूरा करेगा और उसकी मन की कामनाएं भी आप जान लेंगे। जब हम एक दूसरे से जानते हैं तो सब कुछ सही सलामत चलता है। देखिए इसमें कहा है अलग अलग से लोग प्रार्थना करते थे। फिर देखेंगे कि स्त्रियां लोग एक साथ झुंड होकर प्रार्थना करते हैं। पहले हर एक जन को अकेले में प्रार्थना जरूरी है, फिर झुंड में प्रार्थना करना भी जरूरी है। अगर आप एक जन प्रार्थना करते हैं, अगर आप एक जन शैतान को, एक शैतान को भगा सकते हैं, दो जन मिल जाए, दो जन मिलकर एक मन से प्रार्थना करें तो 10,000 शैतान को भगा सकते हैं। वचन वैसे ही कहता है, दो जन एक मन से प्रार्थना करें तो बहुत काम कर सकते हैं, अद्भुत कार्य हो सकता है। इसीलिए झुंड में एक मन से हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। देखिए दूसरा इतिहास 7:13 वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7:13 वचन, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डिया को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह उसकी प्रजा में मरी फैलाऊं। देखिए इसमें कहा है टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए आज्ञा दूं और अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। आप लोग जो जानते हैं पिछले 8 महीने से मरी के कारण कितना हम तड़प रहे हैं, कितने मुश्किलों से वो झेलना पड़ता है। लेकिन अगला वचन कहता है इस मरी से हमको कैसे छुटकारा पा सकते हैं, पढ़िए। तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, हाँ, उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। उसमें कहा है मेरे प्रजा लोग, बाहरी लोग नहीं, अनजाने लोग नहीं, मेरे प्रजा लोग जब दीन होकर प्रार्थना करें और मेरी दर्शन की खोज करें, क्योंकि हमारे पाप ने हमें और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा सा दीवार उठाया है। इस दीवार को तोड़ने के लिए हमें उसकी खोज करना पड़ता है। खोज करें और अपनी बुरी चाल से फिरें। हम बुरी चाल में ही चलते रहें और प्रार्थना भी करते रहें तो प्रभु नहीं सुनता। हमें बुरी चाल से फिरना होगा। और तो उसमें कहा है कि मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। आपका पाप जैसा भी हो, खून के मुताबिक लाल हो, वो कहता है अगर आप दीन होकर प्रार्थना करें, अपनी बुरी चाल से फिरें तो उसे सफेद बना सकता है, आपका पाप को आपसे दूर कर देता है। हमें दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम मसीह लोग दीन होकर प्रार्थना करें तो वो कहता है उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो आज मरी फैली हुई है, उसे हमें क्यों छुटकारा नहीं मिलता? बहुत तरकीबें सूझकर हमारे सरकार ने कहा है
मास्क डालो, किसी से हाथ मत मिलाओ, हाथ साफ करो, यहाँ वहाँ झुंड मत लगाओ, दूसरों से करीब मत जाओ, गले मत लगाओ, बहुत चीज़ों को कहा। लेकिन मरी तो वैसे ही है, मरी तो फैलती जा रही है, लाखों लोग आजकल मरी के कारण बेचैन हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रभु कहते हैं अगर मसीह लोग अपने को दीन करके प्रार्थना करें और उसकी खोज में अपनी बुरी चाल से फिर कर उसके खोज में अपने आंख को उसकी ओर थाकें, तो ज़रूर इस मरी से हमको छुटकारा हम पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमको क्या करना चाहिए, हमको प्रार्थना करना चाहिए। 15 वाला वचन पढ़ेंगे। अब से जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, हाँ, उस पर मेरी आंखें खुली, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहेगा, मेरी आंख और मेरे मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। प्रभु कहते हैं अगर आप दीन होकर प्रार्थना करें तो मेरे आंख, अभी मैं बंद नहीं किया, लेकिन आपके पाप ने मेरे और आपके बीच में ऐसा एक दरवाजा बनाया है, दीवार बनाया है कि मैं देख ना सकूं। लेकिन अगर हम दीन होकर हमारे पापों के लिए क्षमा मांगे तो ये दीवार टूट सकता है। ये दीवार टूटते ही हमको वह देखने लगेगा, वह सुनने लगेगा और हमारे देश के लिए जल्द से जल्द हमको इस पीढ़ी से छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। फिर से हम देखेंगे जखरिया का किताब 8:21, जखरिया का किताब 8:21। और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं भी चलूंगा। देखो यहाँ कहते हैं, पहले हमने देखा एक एक जन को अकेले में प्रार्थना करना है, फिर झुंड में प्रार्थना करना है, दीन होकर प्रार्थना करना है। यहाँ हम देखते हैं एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे आइए हम यहोवा को प्रार्थना करें। हालेलुया, यहोवा से विनती करने के लिए झुंड झुंड के लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, भाषा भाषा के लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। अगर जब ऐसी परिस्थिति होगी नगर नगर में, देश देश में, गांव गांव में, जब हम झुंड से प्रार्थना करेंगे, दीन होकर अपने बुराई मार्ग से फिर कर प्रार्थना करेंगे, तो ज़रूर हमारे प्रभु हमारी बातों पर, हमारे प्रार्थना पर स्तुति लेगा और जल्द से जल्द हमारे सब कठिनाई से हमको दूर कर देगा। देखिए प्रार्थना का फल क्या है। पहला सामुवेल 1:17, एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हाँ, उसने उनसे कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वे स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। देखो यहाँ हम अन्ना के बारे में देखते हैं, उसने अकेलेपन में अपने हृदय को पानी के जैसे उंडेल कर प्रार्थना किया, इतना रोया, उसके मुंह से तो एक भी शब्द जोर से नहीं निकला। येली उसको छुड़ाने भी लगा, तू नशे में क्यों है करके, लेकिन उसने अपने को दीन कर वो कहती है मैं बहुत दुखी औरत हूँ, मैंने प्रार्थना किया है।
जब उसने ये बात सुनकर वो तुरंत वो कहता है, प्रभु का वचन ऐसे कहता है, कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। जब ये वचन उसके पास आया तो तुरंत उसने विश्वास के साथ अपने घर चली गई। तब तक वह उपवास से भूखी थी, खाना नहीं खाया, सबको खाना खिलाया लेकिन उसने खाना नहीं खाया, वह दुखी थी। लेकिन अगला वचन कहता है वह घर गई, खाना खाई, फिर वो उदास नहीं रही, उसने विश्वास किया। और आगे के वचन आप देखेंगे तो उसको उसका मन माना वर उसे मिला विश्वास के साथ। जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ वहाँ से निकलना चाहिए। अगर हम विश्वास के साथ निकलें तो प्रभु हमारे लिए जो भी हमको वाचा दिया है उसे पूरे करने को वो सामर्थ प्रभु है। हालेलुया। दूसरा राजा का किताब 20 का 1-6 तक जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि वह रोग से पीड़ित था। उस रोगी ऐसा था कि भविष्यवक्ता ने आके कहा, हे राजा तू मरने वाला है, तू अपना घर का सार्य खां सही ढंग से लगा दे। तो तुरंत इसे क्या किया, वो दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्ची मार्ग से चला, खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, जो तुझे अच्छा लगा वही मैं करता था। देखिए जब हम अच्छे तंदुरुस्त रहते हैं तो हमें अच्छे मार्ग में, खरे मार्ग में, अच्छे दिल से प्रभु के आगे सिरे सिरे चलना चाहिए। जब हम इस तरह चलते हैं तो जब हमारे लिए कठिनाई होती है, परेशानी आती है, तो हम कह सकते हैं, हे प्रभु मैंने अभी तक तेरी इच्छा अनुसार मैंने चला है, तेरे वचनों के अनुसार मैंने चला है। और जैसे उसने प्रार्थना किया तुरंत तुरंत भविष्यद्वक्ता को प्रभु का वचन आकर, वो लौट कर आकर कहता है कि हे राजा तू नहीं मरेगा, क्योंकि प्रभु ने तेरे को चंगा करता है और परसों तू यहोवा के भवन में जाएगा। देखिए वो चंगा होते ही यहोवा के भवन में गया। तो हमें चंगा होते ही यहोवा के भवन में आना चाहिए। दूसरा कार्य इसमें लिखा है और उसका आयुष 15 साल ज्यादा कर दिया है। तो एक ही प्रार्थना, एक जन की प्रार्थना, और उसने खरे मन से खरे मार्ग में चलने के कारण उसका प्रार्थना को तुरंत उत्तर मिला और उसका 15 साल ज्यादा मिला। अगर हम भी प्रभु के आगे सीधे रास्ते में वचनों के अनुसार जो रास्ता प्रभु को इच्छा है उसके सम्मुख हम जाएंगे तो हमें भी प्रभु बचाता है। अगर आप कोई भी इसे देखने वाले सुनने वाले कोई भी पीढ़ी में हैं, कोई भी मरी के कारण, कोई भी दिक्कत में आप रहते हैं तो प्रार्थना कीजिए, दीन करके प्रार्थना कीजिए, अपने पापों को कबूल कीजिए, अपने को दीन कीजिए। हमारा प्रभु हम पर करुणामय प्रभु है, वह हम पर कृपा दृष्टि लगाकर हमको बचाने वाला प्रभु है।
जब वह हमको सुनता है तो वह ज़रूर हमारे लिए सहाय करने वाला प्रभु है। देखिए लुका रचित किताब, लुका रचित सुसमाचार में 18 का 40 से अब जब देखेंगे तो वहाँ एक भिखारी को हम देखते हैं। वहाँ एक भिखारी भीख मांग रहा था, उसने मसीह के बारे में सुना। उसने मसीह के बारे में सुनते ही उसने अपने को ढाढ़स बांधकर वो तैयार था, अगर मसीह इस तरह आएगा तो मैं उसे पुकारूंगा। और उसको एक समाचार मिला कि मसीह इस ओर आ रहा है, और उसने तैयार होकर चिल्लाकर पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मेरे पर कृपा कर। लोगों ने उसे डांटा, उसे इतना डांटा कि उसने कहा बैठ चुप रह, लेकिन उसने और भी चिल्लाकर मसीह को पुकारा। तुरंत मसीह रुककर उसे पूछा, मैं तुझे क्या कर सकता हूं? तो उसने तुरंत कहा, मुझे देखना चाहिए, मेरे आंख खोल दे। तो तुरंत उसका प्रार्थना सुधी ली गई, तुरंत उसको आंख मिल गई। अगर हम प्रार्थना करें, हम पर विश्वास ना हो तो हमको कैसे मिलेगा? अगर हम विश्वास के साथ, हाँ मैं प्रार्थना करूँगा, मैंने अपने को दीन किया है, मैंने प्रभु के आगे वचन के मुताबिक मैंने चला है, अगर आपको ऐसे कॉन्फिडेंट आपके अंदर है तो आपकी प्रार्थना भी प्रभु सुधी लेगा, उस कान लगाएगा आपके ऊपर, अपना आंख लगाकर आपको सब किस्म के बाधाओं से बचाएगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? धन्यवाद के साथ, जागृत से हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करें तो ज़रूर हमको उसका फल मिलेगा, उसको फल मिलेगा। अकेले में प्रार्थना करना चाहिए, झुंड के साथ प्रार्थना करना चाहिए, परिवार के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हमारे नगर नगर के लोग एक साथ मिलकर एक मन से हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जल्द से जल्द हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जान पहचान लोग, सबको छुटकारा मिलेगा। हमें प्रार्थना करना चाहिए, मसीह लोग हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें अपने को दीन करके उसके खोज में लगाकर उसको थाकना चाहिए, उसको देखना चाहिए और अपने पूरे मन से, पूरे बल से आप प्रार्थना कीजिए, वह जरूर सुधी लेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वह अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वह अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम का धन्य कह।
हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमेन।